सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम सभी को। वेलकम बैक टू आवर चैनल रूरल इंडिया एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त क्रिकेट बडी और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको ऑफ साइड में शॉट कैसे खेलना है और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, फुट मूवमेंट क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और हाँ, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। गाइस, आपको ऑफ में ड्राइव खेलने के लिए ध्यान रखना है इस बात को कि आपके फ्रंट लेग को स्ट्रेच करना है और पहुंचना है बॉल की पिच तक। यदि आप बॉल की पिच तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कवर करने का प्रयास करेंगे बॉल की लेंथ को, और आपको मीट करना है बॉल को अपनी नज़रों के नीचे। वो आप तभी कर पाएंगे जब आपका हेड स्टिल रहेगा, क्योंकि जब कभी भी मेरा हेड स्टिल रहेगा मैं अच्छे से ग्राउंडेड शॉट खेल पाऊँगा। ध्यान रहे इस बात को, यदि आप इन बैलेंस हो रहे हैं तो आप कभी भी शॉट नहीं खेल पाएंगे। तो ट्राई करना है कि मेरे को अपनी नज़रों के नीचे बॉल को मीट करना है और ग्राउंडेड खेलना है ड्राइव में। इसी में आप लॉफ्टेड भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको बॉल जब मीट होते रहेगा बैट में तब आपको बल्ले का फेस कुछ इस प्रकार से खोल देना है। हम क्या करते हैं, जब कभी भी ग्राउंडेड खेलते हैं तो बैट का जो फ्लो है वो सीधा जाता है, लेकिन जब कभी भी लॉफ्टेड खेलते हैं, छक्का मारने का प्रयास करते हैं कवर में, तब हम अपने बैट का मुंह पहले से ही खोल देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आपका फुट मूवमेंट। ध्यान रहे मेरी बात को, ध्यान से सुनिए। फुट मूवमेंट, जब कभी भी आप कट खेलेंगे या फिर बैकफुट पंच खेलेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ बैकफुट पंच के बारे में। मेरा जो भार है, मेरा जो बॉडी का वेट है, वो मैंने डाल दिया है पिछले पैर पर और मेरा जो सामने वाला पैर है वो हवा पे है। इसलिए क्योंकि जब कभी भी मुझे अपने बॉल को टाइम करना रहेगा तब मैं अपने पैर को हवा में रखूँगा और अच्छे से टाइम कर पाऊँगा। दूसरा चीज़ है आपका हेड पोजिशन। हेड पोजीशन जितना आपका स्टील रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में सबसे भारी जो पार्ट होता है वो सर होता है, तो सर जिधर जाएगा उधर हमारी बॉडी जाएगी। इसलिए आपको स्टील रखना है और आपका जो पैर है वो हवा में होना चाहिए और बॉल को टाइम करना है कुछ इस प्रकार से। तीसरी चीज़ आती है हमारा बॉल को कहाँ पर मीट करना है। तो आपको बॉल को मीट करना है आपके नज़र के नीचे। जब कभी भी बॉल आएगी, जितना आपका हेड स्टिल रहेगा उतना ही आप अच्छे से बॉल को टाइम कर पाएंगे। तो दोनों शॉट हमारे पास है, एक हमारा बैक फुट पंच और दूसरा हमारा स्क्वायर कट। स्क्वायर कट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, टो मेरा ज़मीन पे है और मेरा एंकल उठा हुआ है, क्योंकि मैंने अपने बॉडी के वेट को दूसरे पैर पर ट्रांसफ़र कर दिया है और बॉल को कट कर दिया है और सर मेरा स्टिल है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलें हमारे चैनल को, और क्रिकेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नीचे कहीं पर भी बेल आइकन दिख रहा हो उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।